हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट। लेट्स स्टार्ट। सो आज हम ग्रेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेप्स का बॉटनिकल नेम आपको पता ही होगा, वाइटिस विनिफेरा, फैमिली वाइटासी। और ग्रेप्स का कल्टिवेशन को बोला जाता है वाइटिकल्चर, ये याद रखिए। और इंडिया में जनरली ग्रेप्स हम यूज करते हैं टेबल फ्रूट के हिसाब से। टेबल फ्रूट मतलब जिसको हम रॉ में कंज्यूम करेंगे, मतलब डायरेक्टली ऐसे फ्रेश फ्रूट हम निगल ले। पर अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वहां पे 99% ऑफ ग्रेप्स यूज होता है वाइन प्रोडक्शन के लिए। ओके, ग्रेप्स से वाइन होता है। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग्स। ग्रेप्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेरेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, मतलब फ्रेश जूस आप बना सकते हैं, जैम्स बना सकते हैं, रेजिन्स बना सकते हैं। ये सारे के सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, बट इंडिया में हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। और ग्रेप्स का इतना सारा फायदा है आपको कुछ पता भी नहीं होगा। ग्रेप्स फ्रूट में शुगर तो होता है, पर इसको डायबिटीज पीपल ने खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो शुगर है ग्रेप्स में वो इजीली डाइजेस्टेबल है और वो डायबिटीज लोगों के लिए अच्छा है। इट इज फेयरली गुड सोर्स ऑफ, देखिए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन B1, विटामिन B12। जनरली आप सबको पता ही होगा कैल्शियम मिल्क में है, और जो लोग मिल्क नहीं पीते हैं, कुछ लोगों को मिल्क इनडाइजेशन होता है, तो वो लोग ग्रेप्स ले सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर बहुत ही अच्छा। एंड विटामिन B1, B2 ये तो पता ही होगा, क्योंकि जनरली फ्रूट्स में विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, पर प्रोटीन एंड कैल्शियम थोड़ा सा लेस होता है, इसीलिए ग्रेप्स इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दिस जूस इज मिल्ड लैक्सेटिव। लैक्सेटिव मतलब जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को स्मूथ बनाता है, एंड इट एक्ट एज ए स्टिमुलेंट टू किडनीज। ये सारे के सारे चीज आपको याद रखना है। इंडिया में अगर एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन पे आ जाता है बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। एंड ग्रेप्स होता है 50% वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन का, मतलब जितना भी फ्रूट प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड पे 50% सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ग्रेप्स एक इम्पोर्टेंट पोजिशन पे है वर्ल्ड मार्केट पे। और क्यों? क्योंकि ग्रेप्स से वाइन होता है, और वाइन का डिमांड तो आपको पता ही होगा। ग्रेप्स का क्रोमोजोम नंबर देखते हैं, सिंगल सेट क्रोमोजोम 19, एंड डिप्लॉयड, इट इज ए डिप्लॉयड, सो 2n = 38। इट इज ए नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट आपको पता ही होगा, जो फल को आप वंस प्लक कर देंगे उसके बाद ये नहीं पकेगा, इथिलीन प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर हम क्लाइमेटिक फ्रूट की बात करें, जैसे कि एप्पल, बनाना, ये सारे इथिलीन प्रोडक्शन होता है, और घर में रखेंगे तो भी पकेगा। और ये ग्रेप्स बेरी टाइप का फ्रूट होता है, एंड इट इज ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। इन्फ्लुएंसेस पैनिकल, जैसे कि मैंने बताया आपको, फ्रूट्स में बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड मॉइस्चर, विटामिन, मिनरल्स ये तो होता ही होता है। कार्बोहाइड्रेट 16% होता है, एंड मॉइस्चर तो ज़्यादा होता है, 80% नियरली। इंडिया सारे के सारे ग्रेप्स हम तो रॉ कंज्यूम करते हैं, और जो भी रेस्ट रह जाता है हमारे पास, हम नेदरलैंड को एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, इंडिया के बहुत सारे जगहों पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, जो कि अच्छा नहीं है ग्रेप्स के लिए। ओके, एक रेन फ्री पीरियड चाहिए होगा 90 डेज का, मतलब 3 महीने का, एट द टाइम ऑफ प्रूनिंग। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ग्रेप्स में, हम जानेंगे कैसा होता है ट्रेनिंग, कैसा होता है प्रूनिंग नेक्स्ट स्लाइड पे। पर आप याद रखिए 90 डेज फ्री रेन पीरियड हमें चाहिए, एंड फ्रॉस्ट तो डैमेज करेगा ही, नो डाउट। अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये बहुत ही लार्ज रेंज टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, 4.5°C to 45°C, बट आइडियल अगर हम बोलें तो 25 to 30 डिग्री, दिस मच। यहाँ पर हम 3 वेराइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक वाइटिस विनिफेरा, देन वाइटिस लाब्रुस्का, देन रोटुंडिफोलिया। ओके, पहले तो बात करते हैं यूरोपियन ग्रेप्स। यूरोपियन ग्रेप्स नाम तो यूरोप है, पर ये इंडिया में ज़्यादा कल्टीवेटेड होता है। हाँ, जो आपने सुना सही सुना, इंडिया में ज़्यादा वाइटिस विनिफेरा कल्टीवेटेड होता है।
उसके बाद अमेरिकन ग्रेप्स की बात करें, दोनों टाइप्स की होता है, वाइटिस लाब्रुस्का एंड रोटुंडिफोलिया, दो स्पेसीज है। इनका एक स्पेसिफिक फीचर ये है कि स्किन एंड पल्प इजीली सेपरेट हो जाता है, तो फिर अच्छा है वाइन के लिए। पर हम तो इसको रॉ कंज्यूम करेंगे, इसीलिए हम प्रिफर करेंगे यूरोपियन ग्रेप्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमर्शियली ग्रोन वेराइटी है इंडिया में, जैसे कि बैंगलोर ब्लू, पूसा सीडलेस, थॉम्पसन सीडलेस। इतना ही आपको याद रखना है। दिलखुश एक बार आईबीपीएस एफओ में आ चुका है। ओके, दिलखुश एक ग्रेप्स वेराइटी है। बहुत सारे हाइब्रिड वेराइटी भी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चलूंगा। ये याद रखिए, गुड फॉर रेजिन मेकिंग, ये है अक्रावती। ये चीज याद रखिए, अक्रावती रेजिन मेकिंग है, पर ये किस किस पेरेंट का क्रश से निकल रहा है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्लैक चंपा एंड थॉम्पसन सीडलेस। एक बार आप यहाँ पे नोटिंग करेंगे कि जहां पे थॉम्पसन सीडलेस है, वो वेराइटी जनरली प्रिफर किया जाता है टेबल पर्पज के लिए। टेबल पर्पज मतलब हम रॉ इसको यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर वाइन पर्पज। ओके, टेबल पर्पज रॉ कंज्यूम करेंगे जिसको, उसे टेबल पर्पज बोला जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है ये वाला अकरा नीलाम, ये भी एक टेबल वैरायटी है और रेड वाइन भी बना जाता है। रेड वाइन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए आपको याद रखना है। वही ब्लैक चंपा एंड थॉम्पसन सीडलेस। देखिए, अर्कावती एंड अर्का नीलमानी सेम पेरेंट से बिलोंग करता है, पर उसका प्रॉपर्टीज अलग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेजिन मेकिंग, तो फिर आपको क्लिक करना है अर्कावती। इफ क्वेश्चन आस्क फॉर रेड वाइन और टेबल पर्पज नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे वेराइटी है टेबल के लिए, रेड वाइन आ सकता है। ओके, और एक अकरा श्वेता, ये आईसीआरजीआरए में पूछा गया है। अन्ना बी शाही थॉम्पसन सीडलेस। ओके, ये सीडलेस वेराइटी है, थॉम्पसन सीडलेस सीडलेस वेराइटी है, पर एक हाइब्रिड जो कि सीडलेस वेराइटी है एंड सुइटेबल फॉर टेबल पर्पज। जैसे कि मैंने बोला, थॉम्पसन सीडलेस है इसीलिए टेबल पर्पज के लिए सुइटेबल है। और भी बहुत सारे हैं, और भी देखिए बहुत सारे इंपोर्टेंट वेराइटी है, पर जो आपको याद रखना है वो है अर्का उर्वशी। ओके, और ब्यूटी सीडलेस, इसे याद रख सकते हैं, उर्वशी ब्यूटी सीडलेस। और ये एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंस है ये वेराइटी। उसके बाद अगर पूसा नवरंग की बात किया जाए, तो फिर ये रूबी रेड का एक पेरेंट से निकल रहा है, तो फिर सुइटेबल फॉर जूस एंड वाइन। एंड ये याद रखिए, टेंचुरी। नेक्स्ट हम टेबल ग्रेप्स की बात करते हैं। टेबल ग्रेप्स, जैसे कि मैंने बोला आपको, फ्रेश फ्रूट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हम उसको रॉ कंज्यूम कर सकते हैं। आज हम उसको रॉ कंज्यूम करेंगे, हमारे अट्रैक्टिव अपियरेंस इसका होना जरूरी है, क्योंकि हम जब मार्केट में जाएंगे तो इसका अट्रैक्टिव अपियरेंस देख के ही खरीदेंगे फ्रेश खाने के लिए। अगर जूस निकला है, अगर वो वाइन के लिए, तो फिर अट्रैक्टिव अपियरेंस एक अच्छा सुइटेबल नहीं होगा तो भी चल जाएगा। पर अगर आप रॉ कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको सिर्फ इंपोर्टेंट वेराइटीज याद रखना है टेबल ग्रेप्स की, जैसे कि मैंने बोला, थॉम्पसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, न्यू पललाइट, इतना ही याद रखिए। और अगर मुस्काट भी आ जाता है, तो भी आपको क्लिक करना है। टेबल की तरह आपको रेजिन ग्रेप्स वेराइटी को भी याद रखना है। रेजिन ग्रेप्स, जस्ट वन थिंग यू शुड नोट इट डाउन, जे इसके लिए आपको मॉइस्चर कम रहना पड़ेगा। अगर रेजिन आपको चाहिए, तो फिर मॉइस्चर जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 70% मॉइस्चर ओनली। पर जनरली अगर ग्रेप्स की बात करें, जो कि अदर पर्पज के लिए है, वो 70 to 80% तक मॉइस्चर रह सकता है, पर यहाँ पे आप देखिए ओनली 17%। तो कुछ इंपोर्टेंट वेराइटी है रेजिन ग्रेप्स की, थॉम्पसन सीडलेस। थॉम्पसन सीडलेस जनरली टेबल ग्रेप्स में आता है, पर कुछ वेराइटी रेजिन पर्पज के लिए भी यूज होता है। ओके, किशमिश, जैसे पता होगा किशमिश में बहुत ही ज़्यादा लेस वाटर होता है, इसीलिए इस वेराइटी का नाम किशमिश दिया गया है। मुस्काट अलेक्जेंड्रिया याद रखिए। नेक्स्ट, फॉर आवर पर्पज वाइन ग्रेप्स, कौन सा ग्रेप्स वेराइटी वाइन पर्पज के लिए अच्छा है? देखिए, ग्रेप्स का वाइन हेल्दी भी होता है और बहुत ही ज़्यादा बिका जाता है इन वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड में अगर हम देखें, ग्रेप्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है वाइन प्रोडक्शन में।
तो फिर दो तरह के वाइन होता है, टेबल वाइन्स एंड डेजर्ट वाइन्स। एक चीज आप याद रखिए, टेबल वाइन्स में एसिड ज्यादा होता है, डेजर्ट वाइन पे एसिड कम होता है, एंड दोनों पे शुगर होता है क्योंकि वाइन में तो शुगर होगा ही। आज ग्रेप्स इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कितना ज्यादा परसेंट मॉइस्चर कितना ज्यादा है और विटामिन कितना ज्यादा है। ओके, आपको याद रखना है वेराइटी, ग्रोस कॉलम, रेड प्रिंस। ओके, रेड प्रिंस याद रखिए, वाइन वेराइटी, ब्लैक चंपा, ब्यूटी सीडलेस, चीमा साहिबी, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट स्वीट जूस वेराइटी। स्वीट जूस वेराइटी इतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है। हम बहुत दिन तक ग्रेप जूस को प्रिजर्व करके रखते हैं, ये फ्लेवर भी ऐड करते हैं, इसलिए ये इतना डिमांड में नहीं है। पर इम्पोर्टेंट वेराइटी जो आपको याद रखना पड़ेगा, बेंगलोर ब्लू, गुलाबी। बेंगलोर वार्ड आए तो आपको क्लिक करना है जूस ग्रेप्स में। ओके, जैसे कि मैंने बोला है, ग्रेप्स में एसिड थोड़ा सा होता है, इसलिए उसको प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, मीन्स कैनिंग पर्पज के लिए। कैनिंग का मतलब ही स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, अगर हम किसी फ्रूट में, फ्रूट सलाद में, फ्रूट कॉकटेल में ग्रेप्स जूस ऐड करते हैं तो फिर उसका थोड़ा लंगेटिविटी और ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको कैनिंग ग्रेप्स भी बोलते हैं। कुछ इंपोर्टेंट वेराइटी, वही थम्पसन सीडलेस जो कि टेबल वेराइटी में आया था, वाइन में भी आया था, पूसा सीडलेस, पलाइट, कैनर। देन ग्रेप्स की प्रोपागेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेप्स बोथ सेक्सुअली एंड एज वेल एज वेजिटेटिव मेथड से प्रोपागेट किया जाता है, पर सेक्सुअली ज्यादा फिजिबल नहीं है, इसलिए हम जाते हैं एसेक्सुअल के तरफ। और एसेक्सुअली और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी आप बोल सकते हैं आज कंपेयर टू सेक्सुअल मेथड। हाई परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन वेजिटेटिव मेथड, आपको हाई परसेंटेज ऑफ सक्सेस मिलेगा, एंड जेनेटिकल प्योरिटी मेंटेन होगा, मतलब ट्रू टू टाइप आप फॉर्म कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड से, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन ग्रेप्स इज प्रैक्टाइज्ड बहुत सारे मेथड से, जो भी आपको पता है आप क्लिक कर सकते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जनरली अगर हम कमर्शियली प्रोपागेट की बात करें, हार्डवुड कटिंग, ये चीज आप याद रखेंगे, हार्डवुड कटिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, उसके बाद आप ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग को क्लिक कर सकते हैं। ओके, देन अगर आप हार्डवुड कटिंग और जो भी कटिंग बडिंग अगर आप करना चाहें, अच्छा वाला रूट स्टॉक एक एसेंशियल क्वालिटी है। ओके, अच्छा वाला रूट स्टॉक आपको चाहिए, तो कुछ रूट स्टॉक के नाम आप याद रखेंगे, फाइलोक्सा एफिड रेजिस्टेंस रूट रूट स्टॉक। अगर हम एफिड रेजिस्टेंस रूट स्टॉक की बात करें, सेंट जॉर्ज एंड रिपारिया, ये दो रूट स्टॉक के नेम है आप याद रखेंगे। नेमाटोड एंड सॉयल सैलिनिटी, सॉल्ट क्रिक रूट स्टॉक, रेजिस्टेंस टू नेमाटोड, हार्मोनी एंड डॉग रिज रूट स्टॉक। अगर स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग बहुत सारे फैक्टर से हम डिसाइड करते हैं इन केस ऑफ ग्रेप्स। ओके, बहुत सारे फैक्टर मतलब सॉयल, क्लाइमेट, विगर, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, प्रूनिंग, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। पर अगर हम फोकस करें एक ही मेथड का, तो फिर वो होगा मेथड ऑफ ट्रेनिंग। मेथड ऑफ ट्रेनिंग से स्पेसिंग डिसाइड किया जाता है, कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग आप चाहते हैं। हम अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ट्रेनिंग स्पेसिंग कितना होगा वो डिसाइड करते हैं। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंगल स्टेक ट्रेनिंग मेथड आप यूज करेंगे तो फिर आपको बहुत कम स्पेसिंग देना पड़ेगा सिंगल स्टेक में। अगर निफिन आप यूज करेंगे, थोड़ा मीडियम, मतलब 3:3, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। पंजाब हरियाणा रीजन पे कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज होता है ग्रेस में, होता है निफिन, और उसका स्पेसिंग होता है 3:3 मीटर स्क्वायर। उसके बाद और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोएस्ट एंड हाईएस्ट को याद रखेंगे। लोएस्ट वन इज सिंगल स्टेक एंड हाईएस्ट वन इज व्हिच वन, पेंडल, बावर, ओवररीड, आर्बर, मांडवा, ये सारे के सारे ट्रेनिंग मेथड में बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिंग देना पड़ेगा। क्यों क्यों ट्रेनिंग मेथड से स्पेसिंग वैरी करता है वो हम ट्रेनिंग जब करेंगे, ट्रेनिंग जब डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग में क्या होता है, कितना वाइन्स निकलता है, वो सारे चीज जानेंगे। उसके बाद आपको एक अंदाजा हो जाएगा क्यों हम ज्यादा स्पेसिंग देते हैं पेंडल बावर सिस्टम में, क्यों
क्यों हम कम स्पेसिंग देते हैं, मतलब थोड़ा सा लेस स्पेसिंग देते हैं निफिन सिस्टम में। मतलब एक मोटा मोटा तौर पर आप याद रखिए, निफिन सिस्टम में इतना ज़्यादा वाइन्स प्रोडक्शन नहीं होता एक प्लांट का, इसीलिए हम स्पेसिंग कम रखते हैं। पर अगर पेंडल, बावर, ओवरहेड ये सारे के एक ही सिस्टम है, ये ट्रेनिंग मेथड में अगर हम प्लांट को ट्रेन करते हैं तो फिर अराउंड 12 वाइन्स निकलता है एक ही प्लांट से, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिंग जरूरी है। ये सिर्फ मोटा मोटा आप याद रखिए, पर कंप्लीट डिस्कस हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे ट्रेनिंग मेथड पे। प्लांटिंग मेथड बहुत कॉमन है, सारे के सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम यही प्लांटिंग मेथड यूज करते हैं। पिट 1 मीटर क्यूब एट टॉप एंड रिक्वायर्ड स्पेसिंग, ओके, पिट ऑफ 1 मीटर क्यूब। अगर आइडियल टाइम की बात करें, अक्टूबर इज द आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग अनरूटेड कटिंग डायरेक्टली इन द फील्ड। ओके, आप अक्टूबर महीने में अनरूटेड कटिंग को डायरेक्ट फील्ड में प्लांट कर सकते हैं। क्यों? अक्टूबर महीने में तब रेन थोड़ा सा कम हो गया होगा और विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा होगा, वही कंडीशन अच्छा है अनरूटेड कटिंग के लिए। अगर आप रूटेड कटिंग लगाते हैं तो फिर रूटेड कटिंग के लिए थोड़ा और देर करना है, मतलब लेट, जस्ट अक्टूबर टू थ्री मंथ अहेड, मीन्स जनवरी फरवरी में आप लगा सकते हैं। अगर आप अनरूटेड लगा रहे हैं अक्टूबर में तो फिर वो रूटेड भी हो जाए होगा जनवरी पे। अगर आप रूटेड लगाने चाहते हैं रेडीमेडली तो फिर आप जा सकते हैं जनवरी फरवरी में। ओके, सो सिंपली याद रखिए, अनरूटेड कटिंग अक्टूबर, देन रूट होते होते नवंबर दिसंबर जनवरी हो जाएगा। अगर रूटेड चाहिए तो डायरेक्ट जनवरी। व्हेन रूट स्टॉक आर प्लांटेड, ओके, बडिंग और ग्राफ्टिंग अगर आपने किया है तो फिर आपको जुलाई अगस्त में लगाना पड़ेगा, ऑनसेट ऑफ मानसून, ये चीज याद रखिए। अगर आप रूट स्टॉक प्लांटिंग कर रहे हैं, मतलब स्टॉक सीऑन ये सारी चीज कर रहे हैं तो फिर जुलाई अगस्त, कटिंग कर रहे हैं तो फिर वो डिफरेंट। एंड चीप एंड वेज ग्राफ्टिंग जो कि एक ही है वो अच्छा है ग्रेप्स प्रोपेगेशन के लिए, याद रखेंगे आप। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेनिंग मेथड, प्रूनिंग मेथड ग्रेप्स में थोड़ा स्पेसिफिक है, थोड़ा ज़्यादा है और बहुत सारे चीज समझने वाला है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है IBPSFO में, ICRGRF में और DDASO में भी, इसीलिए आपको वो याद रखेंगे पड़ेगा। तो फिर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग से जाने से पहले आपको थोड़ा टर्म में बता देता हूँ। टर्म आपको पता ही होगा मैं जानता हूँ, पर स्टिल मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ ताकि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग जब आप ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं। ट्रंक, ट्रंक तो आपको पता ही होगा मेन स्टेम। आर्म्स मतलब प्राइमरी आर्म्स अगर हम बात करें तो फिर जो कि वही ट्रंक से जो ब्रांच अराइज करता है, जनरली वाइन्स जो अराइज करते हैं वही प्राइमरी आर्म्स कहलाता है। प्राइमरी आर्म से जो अराइज करता है वो सेकेंडरी आर्म्स कहलाता है। ओके, हेड, सूट ये याद रखेंगे। हेड द रीजन ऑफ ट्रंक फ्रॉम व्हिच द आर्म्स ऑफ कैंस अराइज, मतलब जहां से आर्म्स अराइज करेंगे उसको हेड बोला जाता है। द यंग ग्रोथ हर्बेसियस ऑफ द करंट सीजन डेवलपिंग फ्रॉम ए बड सिचुएटेड ऑन आर्म एंड ट्रंक, उसको बोलते हैं सूट, मतलब जो यंग अभी है उसको सूट बोलेंगे। जिससे ब्रांच अराइज होता है उसको हेड बोलेंगे, और जो मैच्योर्ड हो गया है जो सूट उसे कैन बोलेंगे। कैन मैच्योर्ड एंड सूट होता है यंग स्टेज, हेड होता है बहुत ही ज्यादा टेंडर। उसके बाद स्प्रूस, स्पूर मतलब दिस सॉर्टेड कैन और पार्ट ऑफ कैन लेफ्ट आफ्टर प्रूनिंग। प्रूनिंग हम टाइम टू टाइम करेंगे, प्रूनिंग के बाद जो रह जाता है उसको बोलते हैं स्पूर। प्रूनिंग से पहले जिस जो था मैच्योर्ड उसको बोलते हैं कैन, प्रूनिंग के बाद जो था उसके उसको बोलते हैं स्पूर। फ्रूटिंग स्पूर, देखिए फ्रूटिंग वर्ड आ गया तो फिर फ्रूटिंग सूट को हम फ्रूटिंग स्पूर भी बोलते हैं। फाइनली आ जाते हैं ट्रेनिंग पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना। बावर मेथड है, निफिन मेथड है, टेलीफोन ट्रेलिस एंड हेड सिस्टम इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है ग्रेप्स के अंदर। ओके, ट्रेनिंग पहले आते हैं हेड सिस्टम पे। हेड सिस्टम बहुत ही ज्यादा आसान होता है और बहुत ही सस्ता भी होता है, कोई भी पैसे नहीं खर्च होता, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता। हम हेड सिस्टम में ग्रेप्स प्लांट को ड्वार्फ बुश जैसा ट्रेन करेंगे, ड्वार्फ बुश जैसा अपीयरेंस देंगे, यह याद रखेंगे। ड्वार्फ बुश आएगा तो फिर आपको क्लिक करना है हेड सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ओके, तो फिर कौन सा वेराइटी अच्छा है? लेस विगरस वेराइटी,
जिसका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होगा। फ्रूटफुल शूट हमें चाहिए, हमें विगरियस ग्रोथ नहीं चाहिए। तो कुछ इंपोर्टेंट वेराइटी याद रखेंगे जो कि अच्छा है हेड सिस्टम के लिए, ब्यूटी सीडलेस, पल्ले, डिलाइट एंड गोल्ड। इसको हम सिंगल स्टेक सिस्टम भी बोलते हैं, सिंगल स्टेम सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिंगल स्टेम में क्लोजर स्पेसिंग होता है एंड प्लांट का नंबर ज्यादा होता है। अगर हम बावर सिस्टम एंड अदर सिस्टम की बात करें, वहां पे स्पेसिंग ज्यादा होता है एंड निफिन मीडियम का होता है 3x3 मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हेड सिस्टम को बोला जाता है सिंगल स्टेम सिस्टम, वेरी क्लोज स्पेसिंग है, 2000 to 2500 प्लांट्स पर एकर प्लांट किया जाता है, पर एकर याद रखेंगे ओके। उसके बाद दिभाई ने अलाउड टू ग्रो, हाँ आज नेम सजेस्ट सिंगल स्टेम आफ्टर अटेंडिंग ए हाइट ऑफ 3 फीट। आप क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे, मतलब ऐसे हम ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग ऐसे देते हैं, 3 फुट होने के बाद काट डालेंगे, वहीं से 2 लैटरल ब्रांचेस को एनकरेज करेंगे। उसके बाद वही 2 लैटरल ब्रांचेस जब 4 फुट का हो जाएगा, उसके बाद हम उसे भी कट कर देंगे और 2 लैटरल ब्रांचेस को डेवलप करेंगे। इसी तरह आफ्टर कीपिंग 4 लैटरल ब्रांचेस, पहले एक सिंगल स्टेम था, 3 फीट का होने के बाद काट डाला, 2 लैटरल ब्रांचेस हुआ, वही 2 लैटरल ब्रांच ईच 4 फीट का होने के बाद काट डाला, फिर 2 लैटरल ब्रांचेस हुए, इसी तरह टोटल हो गए 4 लैटरल ब्रांच। द रेस्ट ऑफ द शूट आर थिंड आउट, उसके बाद जो भी रेस्ट रहा, जो भी रिमेनिंग शूट रहा, उसे काट डालेंगे। एडवांटेज जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, बहुत इजी है, कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगता, चिपेस्ट मेथड बहुत ही सस्ती चीज है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस कल्टीवेशन, आप क्रॉस कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। ये मेथड सिंगल स्टेम मेथड और आप बोलते हैं हेड सिस्टम, ये कमर्शियल ग्रेप्स में प्रैक्टिस किया नहीं जाता, क्यों? क्योंकि पहले तो ग्रोथ बहुत ही स्लो है, तो फिर आपको प्रोडक्शन ज्यादा नहीं मिलेगा एंड पॉसिबिलिटी है कि बंच रूट, पोर कलर, ये सारी की चीज आ सकता है जो कि मार्केट डिमांड को डाउन कर देगा। द बर्ड एंड फ्लावर ड्रॉप इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम, ओके, डैमेज बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेंडल सिस्टम, उसे सिर्फ पेंडल नहीं, उसे बहुत सारे नाम से जानते हैं हम, आर्बर सिस्टम, परगोला, मैंडवा, ओवरहेड, बावर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है बावर सिस्टम। अगर आपको आर्बर, परगोला, मांडवा ये सारे पता नहीं है, ये हम सब ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के गार्डनिंग फीचर में कवर कर चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर उसे देख लीजिए, आपको पूरी की पूरी चीज क्लियर हो जाएगा, एक पिक्चर आ जाएगा मन में। अगर आप मन में पिक्चर बना सके हो तो फिर आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगा। तो फिर ये क्यों होता है ऐसे, परगोला एक स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, जिसे हम ग्रो करते हैं वाइन, वाइटिकल्चर में जनरली यूज होता है ओके। तो फिर मैं बता देता हूँ, जो ग्रेप्स विगरियस ग्रोथ होता है, जो ग्रेप्स वेराइटी में विगरियस ग्रोथ होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ, तो फिर हम पेंडल सिस्टम को प्रिफर करते हैं, बावर सिस्टम को प्रिफर करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर वाइन्स ग्रो करेगा, मोर सुइटेबल फॉर मेनी कमर्शियल ग्रेप कल्टीवर, बहुत सारे कमर्शियल ग्रेप कल्टीवर के लिए ये बहुत ही अच्छा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव ओके, ये बहुत ही ज्यादा पैसा वाला मेथड है एंड इसको हम प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में बहुत ही ज्यादा, और ये आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइन ग्रो किएगा तो बहुत ज्यादा फ्रूट भी देगा, आपको अच्छा सा प्रॉफिट भी मिलेगा। ये पेडल सिस्टम और बावर सिस्टम को अच्छी तरह समझना चाहिए। आपको पहले मैं बता देता हूँ, ये जो वाइन है ये बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है, मतलब विगरियस है, पहले उस वाइन को एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देना चाहिए, जैसे कि एक अच्छा सा हेल्दी वाइन निकलेगा, अच्छा सा हेल्दी एंड विगरियस वाइन निकलेगा वही ग्रेप की प्लांट से, उसी वाइन को आपको सपोर्ट देना है, पिलर की मदद से, कंक्रीट की मदद से, जो भी आप चाहें देकर आप एक स्टैंडर्ड हाइट तक लेना है। स्टैंडर्ड हाइट मतलब परगोला हाइट, बावर हाइट जिसे हम बोलते हैं 7 फीट 2.1 मीटर, इसी हाइट तक आपको लेना है उस वाइन को, जैसे भी कैसे करके,
स्टेक दीजिए, कुछ सपोर्ट दीजिए, जो भी करके सीधी तरह मतलब अपराइट हिसाब से उसको ग्रो करके उसी हेल्दी वाइन को आप ले आइए 7 फीट की हाइट पे, मतलब 2.1 मीटर की हाइट पे। इसी हाइट पे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर आपके लिए वेट कर रहा है, क्या है? क्रिस क्रॉस नेट। क्रिस क्रॉस नेट 7 फीट हाइट पे होगा। अगर इसी हाइट पे वो भाई आ गया, उसके बाद हम हमारा टेक्निक शुरू करेंगे। क्या टेक्निक? वही भाइन से दो विगरियस सूट हम सिलेक्ट करेंगे, जो एक जाएगा ईस्टवर्ड एंड दूसरा जाएगा वेस्टवर्ड। ईस्टवर्ड मतलब मे बी नॉर्थ साइड, मे बी साउथ साइड, ओके, बट ऑपोजिट। अगर आपको परगोला अदर सारे चीज जैसे ये सारी चीज समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप जा सकते हैं हमारे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर वीडियो में। ओके, सो कम टू आवर पॉइंट। तो फिर एक साइड दो अपोजिट साइड में टू विगरियस शूट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी आर्म्स, और एक ही प्राइमरी आर्म से 6 लैटरल आर्म्स निकलेगा। 6 मतलब 3 एक साइड पे एंड 3 दूसरे साइड पे, 6 सेकेंडरी आर्म्स और लैटरल आर्म्स निकलेगा। तो फिर एक विगरियस शूट से 6 सेकेंडरी आर्म्स एंड दूसरे विगरियस शूट से 6 सेकेंडरी आर्म्स, तो टोटल हो गया 12 सेकेंडरी आर्म्स, 3 इन वन साइड, 3 इन अदर साइड एंड हियर ऑल्सो 3 इन वन साइड एंड 3 अनदर साइड। इसी तरह 12 सेकेंडरी आर्म्स निकलेगा। ये कौन सा मेथड में होता है? बावर सिस्टम, और आप बोलते हैं परगोला सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हैं। बावर सिस्टम एक एडवांस सिस्टम है, तो फिर जानते हैं बहुत सारे एडवांटेजेस है। ग्रेटर स्प्रेड ऑफ द वाइन्स, जैसे कि देखा 12 नंबर्स वाइन्स आपको मिलेगा। बेटर एक्सपोजर ऑफ द फोलियज टू द सन रिजल्टिंग इन बेटर मैच्योरिटी ऑफ द केन्स, जैसे कि मैंने बोला एक नॉर्थवर्ड जाएगा तो फिर एक साउथवर्ड, एक ईस्टवर्ड तो फिर एक वेस्टवर्ड, और वहीं से 3 एक साइड पे, अनदर 3 अदर साइड पे। तो फिर आपको पता चल गया होगा फुलियज को बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलेगा, ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा, हायर प्रोडक्शन ओबियसली 12 केन्स है तो, मोर यूनिफॉर्म बंच कलर, ओके यूनिफॉर्म होगा, जैसे कि आपको पता है 3 इधर 3 इधर यूनिफॉर्म तो होगा। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स विच आर फ्री फ्रॉम सनस्क्लेड, ओके, क्योंकि सन का इफेक्ट यूनिफॉर्म रहेगा इसलिए सनस्क्लेड होने का भी चांसेस कम है। दी वाइन्स इन जनरल गिव यूनिफॉर्म प्रिफरेंस परफॉर्मेंस, ओके, इट गिव्स गुड प्रोटेक्शन टू द केन्स अगेंस्ट हॉट डेसिकेटिंग विंड्स विद इज इन बार्ड्स कैनलिंग। पहले तो सन अच्छा मिलेगा, विंड अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिएंट अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर टेंशन किस बात का। सारे के सारे चीज के कुछ साइड इफेक्ट हैं। कोई अच्छा चीज होगा, कोई भी मेडिसिनल प्लांट आप ले लो, वो अच्छा है पर उसका थोड़ा सा तो साइड इफेक्ट होगा, बोथ एलोपैथी आयुर्वेदिक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन आप ले ले। इसी तरह अगर हम बावर सिस्टम की बात करें, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पर कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसको आप इग्नोर कर नहीं सकते। ये मोस्ट एक्सपेंसिव होगा, क्यों? पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए स्किल चाहिए, स्किल पीपल आपको नीडेड है। उसके बाद जो परगोला एक स्ट्रक्चर था, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, बावर हाइट तक आप लेने के बाद जो क्रिस क्रॉस नेट जो चाहिए, ये सारे के चीज कॉस्टली होगा, क्योंकि आपको ये सारे के चीज बनाना पड़ेगा, ये तो रेडीमेड नहीं मिलता। आपके हिसाब से आपको ये लेना पड़ेगा। परगोला बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि ये ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में, गार्डन में, बहुत सारे डिजाइन में यूज होता है, तो फिर ये तो ज़्यादा है पैसे वाला चीज। प्रूनिंग ट्रेनिंग एंड स्प्रेइंग ऑपरेशन बिकम डिफिकल्ट, जिसका स्किल नहीं होगा वो नहीं कर सकता ये। स्प्रेइंग मटेरियल कैन नॉट रीच इफेक्टिवली लीव एंड शूट, ओके, पहले तो ये सारे के मतलब स्प्रेड होके ये सारे के सारे ब्रांच है 12 ब्रांच, अगर आप कुछ स्प्रे करना चाहेंगे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, न्यूट्रिशन, तो फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर पॉसिबल है। सो यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। निफिन सिस्टम हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग, प्लांट प्रोटेक्शन मेथड, सारे के सारे चीज वहीं पे डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में होल ग्रेप्स देना थोड़ा इम्पॉसिबल है, मतलब 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। सो आप वो सेकंड वाला वीडियो बहुत जल्द आएगा। सेव ट्री टू सेव लाइफ,
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू. एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट गो फॉर कमेंट सेक्शन, कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. इसी तरह आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.